हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एज यू नो कि कल है रक्षाबंधन, तो मैंने सोचा क्यों ना रक्षाबंधन से रिलेटेड एक वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ एक राखी, वो भी क्ले यूज़ करके। ये किड्स राखी होने वाली है, बहुत ही प्यारी सी इजी एंड सिंपल राखी होगी। वैसे तो आप क्ले से काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, आइदर आप कोई भी कार्टून प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर कोई भी अच्छा सा फ्लावर बना सकते हैं, या फिर आप कोई भी गणेश जी वाली राखी बना सकते हैं, या फिर नेम वाली राखीज बना सकते हैं। तो आज मैं जो राखी बनाने वाली हूँ वो काफ़ी इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं, हार्डली आपको हाफ एन आवर लगेगा इसको बनाने में, हो सकता है कि और कम टाइम लगे। तो मैं यहाँ पर एक फ्लावर्स वाली राखी बनाने वाली हूँ। तो बेस के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है येलो कलर का क्ले, और इसको मैं अच्छे से पहले शेप दे दूंगी, पहले राउंड शेप दूंगी, उसके बाद मैं फ्लावर्स के पेटल वाली इसको शेप दूंगी। इस बेस के ऊपर मुझे एक और लेयर बनानी है, तो उसके लिए मैं वाइट ले रही हूँ, आप कोई और भी कलर ले सकते हैं। इसको भी मैं राउंड शेप में अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी। तो मेरी ये वाइट कलर की शेप भी रेडी हो चुकी है। अब मैं येलो कलर की जो हमने बेस प्रिपेयर किया था उसको हम पेटल की शेप में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर मैं नाइफ़ की हेल्प से कर रही हूँ, इससे काफ़ी इजीली इसकी शेप बन रही थी। नाउ इस राखी को अच्छे से पेटल की शेप देने के बाद जो हमने वाइट पोर्शन प्रिपेयर किया था उसको हमें अब इसके ऊपर प्लेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा फ्लावर बन के रेडी हो चुका है। नाउ इट्स टाइम कि अब हम इसको स्माइली की फेस दे दें, एंड उसके लिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का क्ले यूज़ कर रही हूँ। मैं ब्लैक कलर से आईज़ बनाने वाली हूँ, एंड ब्लैक से ही इस फेस में स्माइल बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले टूथपिक की हेल्प से मार्क कर दूँगी इसकी आईज़ एंड स्माइल, सो दैट मैं आईज़ एंड स्माइल को ईज़िली प्लेस कर पाऊँ सही पोजिशन पर। अगर आपने क्ले से पहले कभी कुछ प्रिपेयर करने की कोशिश नहीं करी है तो एक बार ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ा आता है क्ले से अच्छी अच्छी सी चीज़ें क्रिएट करने में। वैसे तो काफ़ी कम रेट में मार्केट में भी आपको काफ़ी अच्छी राखी ईज़िली मिल जाती है, बट अगर आप अपने हैंड से प्रिपेयर करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। एंड स्पेशली अगर आप बच्चों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनका एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल बच्चों को क्ले वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये होममेड राखी एक पीस ऑफ आर्ट ही नहीं है, बल्कि इट्स अ सिंबल ऑफ लव एंड प्रोटेक्शन। नाउ अब हमें इसको प्लेस करना है आइदर ऑन अ रिबन, या फिर आपके पास कोई अच्छे से धागे अवेलेबल हैं तो आप उस पर भी प्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डबल साइडेड टेप यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास फेविकोल है तो आप उससे भी इसको अटैच कर सकते हैं। दिस DIY राखी इज़ नॉट ओनली फन टू मेक, बट इट्स ऑल्सो अ वंडरफुल वे टू एड अ पर्सनल टच टू दिस फेस्टिव सीजन। नाउ हमारी राखी तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है, आप चाहें तो इसमें पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको ग्लिटर से और ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। हैंड्स में टाई करने के बाद तो इसका लुक और भी प्यारा आ रहा है। आप चाहें तो इसमें ऐसे फ्लावर्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, मैं आपको एक बार अटैच करके भी दिखाती हूँ कि फ्लावर्स लगाने के बाद इसका लुक कैसा आता है। फ्लावर्स के साथ भी इसका लुक बहुत प्यारा आ रहा है, तो आप चाहते हैं तो ऐसे फ्लावर्स वगैरह आप इसमें ऐड करके इसके लुक को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। तो इस रक्षाबंधन आप लोग भी अपने छोटे भाइयों को ऐसी हैंडमेड राखीज टाई कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फॉर सच मोर वीडियोस मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।